मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, रोड बनाए, लाल किला बनाए, बहुत सब काम अच्छा किया है मोदी जी। लाल किला बनाए, हाँ लाल किला, रोड बनाया सब अच्छी चीज, हाँ लाल किला रोड बनाया सब अच्छी चीज। कब हुआ कब? हाँ सुने हैं कि मोदी जी जो है जामा मस्जिद लाल किला बनवाए। मोदी जी लाल किला बनवाए, वहाँ जो अयोध्या मंदिर बनवाए, जामा मस्जिद सब पढ़ाए, सब तो बनाए, क्या नहीं बनाए। चड्ढा समझाओ इसे कि मोदी जी जो है लाल किला के सामने खड़े, मोदी जी बनवाए लाल किला, मोदी जी बनवाए। आप क्या कहेंगे इस पर? कितने पौआ लगाए हो, कितने पौआ लगाए हो? मोदी जी लाल किला बनवाए हैं, मोदी जी का उम्र का ही है। कितने उम्र के हैं? मेरी महंगाई जो बढ़ गई है, अब में कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर 1100 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पाइपलाइन लगाओ गैस की, कम होएगा रेट। इतना महंगा क्या भाई, 500-700 रुपए मिलाते गैस का, तुम क्या इतना महंगा सिलेंडर ले सकते? सिलेंडर हम लेंगे, हमने पाइपलाइन लगवा के दिल्ली में रहते हैं, हम भांडी रहते हैं, गैस तो इस्तेमाल करते होंगे। फिर गैस इस्तेमाल कर 700-800 रुपए मिलाते 2 महीने का सिलेंडर कमा, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, जैसे इनसे अंधा भक्त हो जाएगा ना, है जो 2000-5000 का पेट्रोल खरीदेगा, 5000 रुपए नहीं होगा, जैसे 5000 रुपए नहीं होगा, जैसे 5000 नहीं होगा, लेकिन 2000 का गैस खरीदेगा, 5000 का पेट्रोल खरीदेगा। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो क्यों तो ये मंदिर मस्जिद मैं भी बनाता हूँ, मैं भी वोट जीतूंगा, मंदिर मस्जिद मैं भी बनाता हूँ, मैं भी वोट जीतूंगा। मोदी जी एक चोर होता है, एक चोर होता है, और चोर को पालता कौन है? साहूकार पालता है। बात तो सही है, तो वही है मोदी जी का ना माइंडेड है, और माल इन लोग से मिलने वाला कि दुनिया को बुद्धू बना दिया है। क्या बात है सर, क्या बात। पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, दहशत कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मोदी है तो मुमकिन है। रुको जरा, सबर करो। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है, घर रहने से मैं झोपड़ी में रहेंगे, आप ही लोग देखिए। सरासर झूठ है। इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? आपको गलत है, ये झूठी बात है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। वाह जी वाह, मजा आ गया। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। वाह मोदी जी वाह वाह। एक लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, एयर कंडीशनड कमरों में बैठ रहे हैं, वातानुकूलित यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, तो विवाद होना तो लाजमी, क्योंकि आलिशान जीवन शैली गुजारने वाले ये नेता जब गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो देश की जनता इस विरोधाभास को पकड़ लेती है, और देश की जनता को लगता है कि शायद उनके साथ एक मजाक हो रहा है। 370 धारा हटाई, धारा बोलो धारा। अच्छा ठीक है, वो धारा के हटने से क्या फर्क पड़ा? गाय वो पकड़ने का बंद हुआ है, गाय पकड़ने का। गाय ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पकड़ने का। तो कश्मीर में गाय पकड़ते थे सब लोग? कश्मीर में नहीं, सिटी में। कौन सिटी में? सूरत, राजकोट। कश्मीर में 370 हटाई तो सूरत में गाय पकड़ना बंद हो गया? सभी जगह, सब जगह गाय पकड़ना बंद हो गया। चाहे गली गली माँ चर्चा मारे, डारे घर का खर्चा, दुल्हन बना रही है पर्चा, घर में नहीं है हरदी मिर्चा, जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ, जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ।